नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है, हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हैं भिवानी के देवसर मोड़ स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर स्टीलमैन पहलवान विजेंद्र सिंह अब दांतों से एक बस को खींचकर अपना कीर्तिमान स्थापित कर लोगों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देंगे। अब देख सकते हैं पहलवान विजेंद्र सिंह ने कमर कस ली है और वो अपने दांतों में रस्से की सहायता से इस बस को, स्कूल बस को खींचेंगे। आप देख सकते हैं इतना बड़ा कीर्तिमान पहलवान विजेंद्र सिंह आज दिखाने वाले हैं। वो दांतों से इस बस को खींचेंगे और एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। बच्चों के लिए बहुत ही अद्भुत और बिल्कुल नई चीज़ होगी। देखिए, छोड़ दे, ब्रेक छोड़ देना। क्या नाम बेटा? नाम क्या है? जिया। जिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। नशा नहीं करना चाहिए? नहीं। क्या नाम है? गोविंद। क्यों खुशी? क्या फील किया? नशे से दूर रहना चाहिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सभी आ जाओ। क्या नाम है? वंशिका। वंशिका, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बेटा? क्या नाम है? सरन्यू। कैसा लगा? बहुत अमेजिंग। हाँ, क्या नाम है बेटा? नेहल। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अंकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। उन्होंने अपना जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड बनाया इन्होंने और हम बहुत ज़्यादा उन पर प्राउड फील कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों को? हम बस यही कहना चाहेंगे, जैसे सर ने बताया कि अभी बच्चे ड्रग्स वगैरह की उनकी संगत में आ रहे हैं, तो मतलब हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, नशे में नहीं आना चाहिए। और मतलब संगत अच्छी होगी तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि हम इंडिया का फ्यूचर है। अच्छा, बात बहुत अच्छी। क्या नाम बेटा? मेरा नाम केंजल है। केंजल, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बेटा? मेरा नाम ऋषिका है। ऋषिका, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बेटा? हिमांशी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, हमारे साथ है, मौजूद हैं पहलवान विजेंद्र सिंह, जिन्होंने आज दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई है। सर, स्वागत है धाकड़ हरियाणा। जी, धाकड़ से हरियाणा के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे, कौन सा शक्ति प्रदर्शन आपने किया? ये नशा मुक्त भारत अभियान जो मैंने चलाया हुआ है, उसका 37वां शक्ति प्रदर्शन दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में मैंने किया है। और एक समाज और देश को एक मैसेज देने के लिए मैं ये शक्ति प्रदर्शन चला रहा हूँ, ताकि युवा जो है वो जंक फूड और नशे से बच सके, वो अपनी असली ताकत को पहचाने। क्योंकि आजकल देखते हैं स्कूल कॉलेजों में कम से कम 40% जो बच्चे हैं वो नशे की लत में हो रहे हैं। तो मेरा अभियान यही है कि अपना देश और समाज नशे से मुक्त हो। अपना तो बस एक सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। तो इसी अभियान के साथ हमने 37वां शक्ति प्रदर्शन किया है यहाँ, और सभी बच्चों को हमने जंक फूड और पॉलीथीन मुक्त अभियान जो
प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है अपना भिवानी क्षेत्र से, तो सरकार की देख रेख के भी जितने भी जो भी एडवाइस उनकी जो जारी होती है हम उनका पालन करते हैं, और जो अभियान है उन अभियानों को भी हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जंक फूड और पॉलीथीन मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत के तहत हमने ये कार्यक्रम किया है। यहाँ बच्चों को नशे के प्रति शपथ दिलाई गई है ताकि हमारे देश के युवा जो हैं वो सबसे ज़्यादा हरियाणा के युवा जो देश के लिए मेडल लेके आते हैं और वो युवा देश के लिए काम आएंगे और सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो अपने हरियाणा बरकरार रहे, क्योंकि हरियाणा ऐसा कि जहाँ दूध दही का खाना, और यो है मेरा हरियाणा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? मैं सुषमा वशिष्ठ। सुषमा जी, कैसा लगा आज आपके स्कूल में इतना अच्छा शक्ति प्रदर्शन हुआ है? सर, बहुत ही प्रेरणादायी सर हैं, स्टील मैन हैं, और उन्होंने अपनी पावर दिखाई आज, और सच एन इंस्पिरेशन सोर्स फॉर किड्स। और सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं बच्चों को कि नशा मुक्ति होनी चाहिए, प्लास्टिक से दूर रहें, जंक फूड से दूर रहें। तो सर तो पूरी पर्सनालिटी ही प्रेरणादायी है, और आज मैं भी खुद को मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। सर ने 45 किलो के बच्चे को दांतों से उठा दिया, देखना ही अनबिलीवेबल है। और उसके बाद बस को सर ने खींचा है और बहुत मज़ा आया देखकर। तो आज आपने प्रण किया है आप जंक फूड से? सर मैं पहले से भी दूर हूँ और मैं और ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करूँगी, और मैंने आज प्रण लिया ओथ ली है सर के सामने, और आई एम ट्राइंग टू फॉलो इट प्रॉपरली। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, मैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह, एडमिन ऑफिसर DWPS भिवानी स्कूल में। मैंने आज जो विजेंद्र जी ने बच्चों को जो शिक्षाएँ दी कि भाई हम नशा मुक्त होंगे, ये बहुत ही एक अच्छी, देश में हमारे जो युवा हैं वो इससे बहुत ही प्रभावित होंगे, और हमारे स्कूल के बच्चों ने जो इन्होंने प्रदर्शन किया, जो 45 केजी के बच्चे को इन्होंने अपने दांतों से, ये इनकी एक शक्ति है, अंदरूनी शक्ति है, जो एक नॉर्मल आदमी इस चीज़ को नहीं कर सकता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे भी जो बच्चे हैं वो आगे अपने सेहत को बरकरार रखें, नशा मुक्त रहें, और जो ये पॉलीथीन वगैरह के ऊपर जो इन्होंने बात बताई बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा है विजेंद्र जी का पत्र। धन्यवाद सर। साधारण व्यक्ति का असाधारण साहस है, मैं तो यही मानती हूँ, व्यक्ति साधारण है पर उनका साहस असाधारण है। सर स्वागत है आपका भी ताकत है जी। धन्यवाद सर। क्या परिचय सर? सर मैं विकास अग्रवाल, JCI भिवानी डायमंड प्रेसिडेंट 2022, और मेरे साथ हैं हमारी टीम से सुमित गालमिया जी, सेक्रेटरी हैं 2022 के। हाँ सर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आज? आज JCI भिवानी डायमंड और DWPS ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा टैलेंटेड प्रोग्राम किया बच्चों के बीच में। जैसा कि विजेंद्र जी ने बताया, आजकल के जो बच्चे हैं नशे की लत और प्लास्टिक का यूज़ और जो जंक फूड है और कचरा है उसका जो सदुपयोग है, मतलब जो जंक फूड है वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं बच्चे आजकल की, स्कूलों में कैंटीन में भी मिल रहा है। लेकिन DWPS की जो प्रिंसिपल हमारी अनीता शर्मा मैम, उन्होंने बताया कि उन्होंने जंक फूड ये काफ़ी दिनों से इस कैंटीन में बंद कर रखा है। इस डिसीजन के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, जो कि इतना अच्छा डिसीजन है उनका। बच्चों की हाइट रुकने का भी मेन कारण ये है कि जंक फूड का बहुत ज़्यादा उपयोग है। उसके अलावा उनकी आइज जो बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, आज विजेंद्र पहलवान जी ने, स्टील मैन विजेंद्र पहलवान जी ने आँखों के लिए भी है ना बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई, कैसे तब में आँखों को अंदर डुबो के और उन आँखों को आँखों की सफाई की जा सकती है। हमने प्रेयर ग्राउंड में देखा कि मैक्सिमम बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के भी आई साइट वीक हो गई है और चश्मे लगे हुए हैं। विजेंद्र जी ने ऐसी टेक्निक आज बताई है JCI भिवानी डायमंड के साथ जुड़ के और DWPS के साथ मुहिम के साथ जुड़ के, कि पूरे विश्व में मैं कहता हूँ कि वो इनकी जो टेक्निक है वो वर्ल्ड फेमस होगी, और उससे बच्चों की आँखों का इतना ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा कि आने वाले टाइम में वो अपना चश्मा जो है और जो वो लगा रहे हैं वो भी उनका हट जाएगा, मुझे उम्मीद है। उसके अलावा उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करके जता दिया है कि कोई भी आदमी अगर नशा करता है तो किसी टाइप की भी जो उसके अंदर शक्ति, अंदरूनी शक्तियाँ वो खत्म होती जा रही हैं। अगर वो नशा नहीं करता तो इन्होंने अपना एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है, 40-45 किलो के बच्चे को दांतों में उठा के भगा के दिखाया है, अपने दांतों से दांतों में उठा के और 15-20 मीटर भाग के दिखाया है। उसके अलावा उन्होंने बस कितने क्विंटल टन की होती है उसको भी उन्होंने खींच के दिखाया है, तो दांतों से खींच के दिखाया। तो इसके लिए हम विजेंद्र पहलवान जी का, JCI भिवानी डायमंड का आज स्पोर्ट्स स्पेशल एक दिवस है JJ विंग की तरफ से, JJ विंग के हमारे प्रेसिडेंट हैं सुशांत गोयल, वो भी यहाँ उपस्थित थे और उनका ये इवेंट है, और उस इवेंट में हम सब ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, और इस स्पोर्ट्स डे पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ DWPS की टीम का और हमारे विजेंद्र पहलवान। धन्यवाद सर। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि विजेंद्र जी ने जो संदेश दिया है बच्चों को वो बहुत ही अच्छा है, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल को और विजेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर
स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है सर? मेरा नाम है। हेलो, मैं आज जो प्रदर्शन किया है वो एक शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वो एक तरह का एक मोटिवेशनल है जिससे इतने बच्चे इतने सारे प्रभावित है और इतने सबने हमने सीखा है। और ये एक एग्जांपल होता है, देखिए आप कोई भी हम कहते हैं, कोई देश देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसे हम जस्ट उसको सुनते हैं, लेकिन ये जो शक्ति प्रदर्शन है इसको देख के बच्चे डेफिनेटली बच्चे फॉलो करेंगे। इससे बहुत कुछ हमें सीखने का उससे मिला है और हम बहुत आभारी हैं जिसे के भी और सर के भी जो आज हमारे बच्चों के साथ आए, उन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया है। और हम कोशिश करेंगे इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का, और इनकी जो मुहिम है आप हम इनसे प्रॉमिस करते हैं कि इनकी मुहिम को हम घर घर तक लेके जाएंगे और बहुत आगे तक इस मुहिम को हम बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। और हम जाएंगे। हां जी, बच्चे है और जो आप भी मैं बच्चे का नाम, बच्चे का